गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। सो वी आर कंटिन्यूइंग आवर चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम आवर साइंस बुक ऑफ क्लास 8। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो एज यू ऑल नो दैट इन द फर्स्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी डन द हाफ ऑफ द चैप्टर। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे हम यहाँ। सिंथेटिक फाइबर्स पोजेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। अब इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं, वो कुछ यूनिक हैं, इसी कारण से ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। जैसे कि बात करें तो दे ड्राई अप क्विकली, जल्दी सूख जाते हैं, ड्यूरेबल, काफ़ी लंबा चलते हैं, महंगे भी कम हैं, एंड रेडीली अवेलेबल कि कम्प्लीट वो तैयार ही मिलते हैं हमको, एंड ईजी टू मेंटेन और उनकी देखभाल करना काफी ईजी रहता है। आगे हम देखेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। यू मस्ट बी फेमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज एवरी डे, मेक ए लिस्ट ऑफ सच आइटम्स। तो प्लास्टिक की चीजों की अगर बात करें तो आप जानते हैं कि बहुत सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं। इवन अगर मैं अपने आजू बाजू की बात करूं तो वी आर यूजिंग मैनी थिंग्स, द प्लास्टिक मग, द प्लास्टिक बकेट। पहले ये सब चीज़ें मेटल की जो बाल्टी वगैरह आती है, जिसको हम बकेट कहते हैं, बाथरूम में यूज़ करते हैं, वो तो मोस्टली वो मेटल की ही मिलती थी, लेकिन अभी वो चीज़ किसकी हो गई है, प्लास्टिक की। इसके अलावा किचन में जो आप मम्मी आपकी जो स्टोर करने के लिए यूज़ करती है, जो चीज़ें राशन को स्टोर करने के लिए जो बॉक्सेस का यूज़ किया जाता है, कंटेनर्स का, वो भी प्लास्टिक के आते हैं। जबकि पहले की बात करें तो पहले सिल्वर वगैरह के या फिर पीतल के इस तरह के मतलब वो रखते थे लोग, तो सब मेटेलिक होता था, लेकिन अब सब चीज़ें बदलती जा रही है, तो सब चीज़ों की जगह प्लास्टिक ने ले ली। पहले देखिए हमारे जो फ्लावरिंग पोट्स होते थे, फ्लावर पोट्स, वो भी मिट्टी के आते थे, अब उनको भी प्लास्टिक में बदल दिया है, प्लास्टिक के आने लगे हैं। तो यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो प्लास्टिक की बनती हैं। प्लास्टिक इज ऑल्सो पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक जो है पॉलीमर है सिंथेटिक फाइबर की तरह ही, यानी कि ये भी रिपीटेशन होता है, पॉलीमर आप जानते हैं ना, तो यानी कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया जाता है तो एक चेन बन जाती है, तो इसी को पॉलीमर कहा जाता है। ऑल प्लास्टिक्स डोंट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स, इन सम इट्स लीनियर वेयर एज इन अदर्स इट्स क्रॉस लिंक्ड। तो दो तरह का अरेंजमेंट बताया गया है, कुछ में तो ये लीनियर होता है और कुछ में ये कैसा होता है, क्रॉस लिंक्ड होता है। तो ये अलग अलग तरह का अरेंजमेंट इनमें बताया गया है। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस एज यू कैन सी इन फिगर 3.7। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज पॉसिबल? द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजीली मोल्डेबल, कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स। That is why it finds such a variety of uses. अब प्लास्टिक की बात करें, यहाँ पे आप पिक्चर जो देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं बकेट है, एक फ्लावर पोट है या डस्टबिन है बोल सकते हैं, यहाँ पे एक टू व्हीलर जो देख रहे हैं ये भी प्लास्टिक का बना हुआ है, एक चेयर देख रहे हैं। तो प्लास्टिक का हम इतने तरीके से शेप कैसे दे सकते हैं, कि उसका जो यूज़ है इतनी ज़्यादा तरीके से कैसे हम उसका उपयोग कर सकते हैं? तो इसका कुछ कारण है, वो ये है कि प्लास्टिक को हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, पतली शीट्स बना सकते हैं इससे, और इससे वायर्स भी बनाई जा सकती हैं पतली पतली, यानी कि वायर्स के शेप में भी आप इसको डाल सकते हैं। तो इसकी क्वालिटी है जिस कारण से हम इसको अलग अलग शेप्स में पाते हैं। पॉलीथीन, पॉलीथीन का मतलब क्या होता है? पॉली प्लस इथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। आप जानते हैं ना, हम कभी कभी शॉप पे जाते हैं तो हम बोलते हैं प्लास्टिक का एक बैग दे दो, प्लास्टिक बैग दे दो भैया। तो प्लास्टिक बैग, जिसको हम पॉली बैग भी कहते हैं, पॉलीथीन भी कहते हैं, तो ये जो है पॉली और इथीन को मिलाकर ये बनता है पॉलीथीन। ये भी एक तरह का प्लास्टिक है, इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है पॉलीथीन का पॉलीथीन बैग्स बनाने के लिए। नाउ ट्राई टू बेंड पीस ऑफ प्लास्टिक यूरसेल्फ, कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंट इजिली? यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बी बेंट इजिली व्हाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स टू बेंड। When we add hot water to a plastic bottle, it gets deformed. Such plastics which get deformed easily on heating can be bent easily are known as thermoplastics.
Polythene and PVC are some of the examples of thermoplastics. These are used for manufacturing toys, combs and various types of containers. अब एक तरह का प्लास्टिक जिसके बारे में हमें आप देखने जा रहे हैं वो है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक इसको कहा, आप देखते हैं जब हम कुछ प्लास्टिक्स को गर्म करते हैं या उनके ऊपर गर्म पानी डालते हैं तो उनका शेप बदल जाता है और वो बुड़ जाते हैं, बेंड हो जाते हैं। जैसे कि बात करिए आप वाटर बॉटल्स जो रहती हैं, जो घरों में आप फ्रिज में स्टोर करने के लिए पेट बॉटल्स लाते हैं, जो अब जब उसके अंदर आप हॉट वाटर डालते हैं तो क्या होता है, हॉट वाटर डालने के बाद वो उनका शेप बदल जाता है, उनका शेप बिगड़ जाता है। तो ऐसे प्लास्टिक्स जो कि गर्म होने पर अपना शेप बदल दें उनको हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। पॉलीथीन हो गया, पीवीसी की बनी चीज़ें होगी, ये सब जो हैं थर्मोप्लास्टिक के ही एग्जाम्पल हैं। ऑन द अदर हैंड देर आर सम प्लास्टिक्स विच वेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाई हीटिंग, दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। टू एग्जाम्पल्स आर बैकेलाइट एंड मेलामाइन। बैकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब थर्मोप्लास्टिक को तो हमने गर्म करके, गर्म पानी डाल के या गर्मी देकर उसको उसका शेप बदल दिया, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जिसको आप गर्म करने पे भी वो अपना शेप नहीं बदलता है, वो जैसा है वैसा ही रहता है। इसके उदाहरण अगर बात करें तो वो है बैकेलाइट और मेलामाइन। बैकेलाइट और मेलामाइन की बात की जाए, बैकेलाइट जो है वो हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर, यानी कि उसमें से बिजली पास नहीं होती है और ना ही वो गर्म होता है। इसका यूज़ क्या कहाँ होता है आप जानते हैं, बैकेलाइट का जब वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर और हीट का बैड कंडक्टर है तो इसी कारण से इसका उपयोग होता है इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में। आजकल जो घरों में आप स्विचेस देखते हैं वो ज़्यादातर बैकेलाइट से बने होते हैं। इसके साथ साथ हैंडल्स की बात करें, जो आप गर्म चीज़ें पैन वगैरह या कढ़ाई कुकर इनके जो हैंडल होते हैं ये भी बैकेलाइट से बने होते हैं। आप जानते हैं कुकर जो है वो पूरा गर्म हो जाता है लेकिन उसका हैंडल हम पकड़ सकते हैं, ये ब्लैक कलर का जो रहता है, तो ये मेलामाइन से बना होता है। मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल मटीरियल, इट रिजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। तो ये फायर भी नहीं लगती, इसको आग नहीं पकड़ता है ये, और ये हीट को भी ज़्यादा सहन कर सकता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। इसका यूज़ फ्लोर टाइल्स बनाने में भी किया जाता है, किचन वेयर में भी किया जाता है, किचन का सामान बनाने में, और इवन फैब्रिक्स भी बनाए जाते हैं जो कि आग को रिजिस्ट करते हैं, यानी कि फायर फाइटर्स वगैरह जो कपड़े पहनते होंगे उसमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें काफ़ी सारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उपयोग बताए गए हैं। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और ये आप देख रहे हैं ये है थर्मो प्लास्टिक, यानी कि जिनका शेप बदल सकता है। प्लास्टिक इज द मटीरियल्स ऑफ चॉइस। प्लास्टिक की बात कर रहे हैं हम एज अ मटीरियल्स ऑफ चॉइस। टुडे इफ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, अब हम कोई भी चीज़ अगर किचन में स्टोर करने की बात करें तो हमारे पास कंटेनर्स रहते हैं, कैसे रहते हैं, प्लास्टिक के ही रहते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वही ज़्यादा कन्वीनियंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका वेट लाइट होता है, प्राइस भी कम होता है। अब भाई आप किचन के अंदर अगर 20 रुपीज़ का एक डब्बा मिल रहा है आपको और उससे बड़ा आग लेने जा रहे हो तो 50 रुपीज़ का मिल रहा है, तो इस तरीके से आप बहुत सस्ते में एक बड़ा कंटेनर लेने जा रहे हैं जिसमें आप बहुत सारी चीज़, समझिए 5 kg के करीब आप चीज़ स्टोर करना चाहते हैं, मे बी शुगर और समथिंग एल्स, दाल वगैरह, तो वो 5 kg का अगर आप मेटल का लेने जाएंगे तो इट विल कॉस्ट यू इन मे बी अबव 1000 ऑल्सो, क्योंकि उसके वेट पे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर प्लास्टिक का लेने जाते हैं तो 50-80-100 रुपये का अराउंड 100 के आजू बाजू मिल जाएगा आपको। तो लाइट वेट होता है, प्राइस कम होता है और स्ट्रेंथ भी अच्छी रहती है, ऐसा नहीं कि वो ख़राब होता है, काफ़ी चलता है वो, और ईजी हैंडलिंग, हैंडल करना बहुत ईजी है उसको। बींग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल्स, प्लास्टिक्स आर यूज इन कार्स। अब मेटल्स जो है वो काफ़ी हैवी रहते हैं, इसी कारण से कार्स के अंदर भी प्लास्टिक्स का उपयोग होने लगा ज़्यादा, क्योंकि देखिए कार का वजन कम करने के लिए, उसकी माइलेज अच्छी मिले, इस कारण से उसके अंदर भी प्लास्टिक का उपयोग ज़्यादा होने लगा है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट के अंदर, स्पेस क्राफ्ट के अंदर, यानी कि जहाँ भी हमें ज़्यादा मतलब पावर की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हम वजन कम करके, प्लास्टिक का उपयोग करके उसका वजन कम कर सकते हैं। दिस लिस्ट इज़ एंडलेस। अभी एक्चुअल में तो एंडलेस लिस्ट है, क्योंकि आप अगर लिस्ट बनाने बैठे तो मेरे ख्याल से आज हर एक चीज़ जो है उसके अंदर प्लास्टिक का उपयोग होता है। स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेटिव पीसेस जो हैं, तो सब चीज़ों के अंदर हम जानते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग होता है। प्लास्टिक की एक और क्वालिटी देखते हैं, इट्स नॉन रिएक्टिव। यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट्स रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर एंड एयर। अब
लोहा जो है, मेटल्स की बात करें तो लोहे की बात करें तो एयर और मॉइस्चर में, अगर आपने समझिए एक लोहे का ट्रैक्टर लिया जो कि बच्चों के खेलने वाला आता है खिलौना, अब उसको आप देखेंगे थोड़े समय के बाद उसको जंग लगना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो मेटल का है, ऑल्दो वो वैसे नहीं टूटेगा लेकिन उसको जंग लगेगा और वो एयर और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आते ही खराब होने लगेगा। लेकिन प्लास्टिक की बात करें उसके ऊपर एयर और वाटर का कोई असर नहीं पड़ने वाला, उनके ऊपर कोई जंग नहीं लगेगा। और इसके अलावा बहुत सारे मटेरियल्स आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारे केमिकल्स उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं क्योंकि जो प्लास्टिक है वो नॉन रिएक्टिव रहता है, वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है, इस कारण से आप उसमें काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हो, केमिकल्स भी। तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है प्लास्टिक की। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल, अब ये तो हम अच्छे से जानते हैं, प्लास्टिक बहुत ही लाइट होता है, स्ट्रांग होता है और ड्यूरेबल होता है, लंबे समय तक टिकता है। प्लास्टिक लाइट, स्ट्रांग और ड्यूरेबल है और इसको आसानी से मोल्ड किया जा सकता है, यानी कि मोल्ड करने का मतलब अलग अलग शेप्स और साइजेस इसको दिए जा सकते हैं, इसी कारण से इसका उपयोग बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। तो प्लास्टिक जो है मेटल से बहुत चीप, सस्ता भी है, इसके अलावा इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे यूजेज हैं इसके, इवन घरों में भी आज हम ज़्यादातर चीज़ें हैं वो इसी से बनी यूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक जो है बहुत लाइट है, स्ट्रांग है और ड्यूरेबल भी है। फिर प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर, प्लास्टिक जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर रहते हैं, इसी कारण से इलेक्ट्रिकल वायर्स की बात की जाए उसके ऊपर की जो कवरिंग होती है वो प्लास्टिक की होती है। फिर स्क्रू ड्राइवर आप जानते हो, पेचकस बोलते हैं जिसको हम गुजराती में हम डिसमिस कहते हैं, तो ये जो स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, स्क्रू ड्राइवर वगैरह इसको भी, इसके जो हैंडल्स रहते हैं आप देखते हैं जो, ये भी ज़्यादातर प्लास्टिक के बने होते हैं ताकि इसमें से बिजली पास ना हो, करंट पास ना हो। और हैंडल्स जो रहते हैं फ्राइंग पैन से, वो भी हमने देखा कि वो भी प्लास्टिक के ही बने होते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और बताई गई हैं, प्लास्टिक्स की बात की जाए तो प्लास्टिक का हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत बड़ा योगदान रहा है क्योंकि बहुत सारी ऐसी टैबलेट्स आती हैं जिनको पैक किया जाता है, यानी कि पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, टैबलेट को पैक किया जाता है वो प्लास्टिक में किया जाता है, जैसे कि स्टिचिंग के लिए जो जख्म होता है, जो चोट होती है उसको थ्रेड से सिला जाता है, वो भी प्लास्टिक का थ्रेड रहता है। फिर सिरिंज आती है वो भी प्लास्टिक की आती है, डॉक्टर के ग्लव्स हो गए और बहुत सारे दूसरे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी जो कि मेडिकल लाइन में यूज़ किए जाते हैं प्लास्टिक से बनते हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज इन माइक्रोवेव ओवंस, ओवंस के अंदर जो यूज़ किया जाता है बर्तन वो स्पेशल प्लास्टिक का होता है। इन माइक्रोवेव ओवन द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल, अब ओवन के अंदर क्या होता है, जो हीट है, जो गर्मी है, उससे खाना जरूर पक जाता है लेकिन प्लास्टिक के वेसल को, बर्तन को कोई भी असर नहीं पड़ता है। टेफ्लोन इज़ अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक, एक टेफ्लोन आता है आप जानते हैं ना, आजकल बर्तन आते हैं जिसके अंदर टेफ्लोन कोटिंग होती है, तो टेफ्लोन एक ऐसा स्पेशल तरह का प्लास्टिक है जिसके ऊपर ऑयल और वाटर चिपकता नहीं है। इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर, इसका उपयोग कोटिंग के तौर पर किया जाता है कुकवेयर के ऊपर, यानी कि खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं उनके अंदर किया जाता है। आगे बताया गया यहाँ पर टाइप्स ऑफ वेस्ट और उसके डिग्रेडेशन के लिए टाइम कितना लगता है और नेचर ऑफ मटेरियल के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऊपर प्लास्टिक्स, हाँ एक और टॉपिक यहाँ रह गया है, फायर प्रूफ प्लास्टिक की बात की जा रही है। तो सिंथेटिक फाइबर जो है उसको आसानी से आग लग जाती है हम जानते हैं, लेकिन फायरमैन यानी कि जो हमारे जो अग्निशमक वाले जो लोग होते हैं, जो कि फायरमैन हम जिनको बोलते हैं, आग बुझाने जो लोग आते हैं, उनकी जो यूनिफॉर्म होती है उनके ऊपर मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग होती है। क्या होती है? मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग, और जैसा कि हम जानते हैं मेलामाइन जो है उसको आग नहीं लगती है, तो फायर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है फायर सेफ्टी के लिए। प्लास्टिक्स एंड द एनवायरमेंट, प्लास्टिक के यूजेस तो इतने सारे हैं लेकिन एनवायरमेंट के साथ इसका क्या रिलेशन है वो हम देखते हैं। अब जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें ज़्यादातर चीज़ें जो मिलती हैं वो किस में रैप की होती हैं, प्लास्टिक के अंदर या फिर पॉलीथीन बैग्स के अंदर होती है। दैट इज़ वन पर्सन वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आर होम्स, तो मतलब हर जगह पर हम कहीं भी जाएंगे हमें प्लास्टिक की चीज़ ही मिलेगी, यानी कि भले वो प्लास्टिक की पन्नी में डाल के दे, यानी कि चलिए हम मार्केट जाते हैं कुछ भी खरीदें, हम सब्जी भी लेने जाते हैं तो वहाँ पर भी वो थैली हमको जो देते हैं जिसमें डाल के सब्जी, वो भी प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक जो है वो हमारे घर घर पहुँचा हुआ है किसी न किसी माध्यम से, और उसके बाद वो कहाँ गार्बेज में, उसको हम कचरे में फेंक देते हैं। अब इतना सारा, अब देखिए हर रोज अगर हम यहाँ से एवरेज निकालें कि एक पन्नी भी एक घर में आती है, एक थैली भी एक घर में आती है, तो कितनी थैलियाँ हमारे रोज की हम लोग वेस्ट करते हैं और उन थैलियों को यूज़ नहीं रहता है, उसको हम फेंक देते हैं बाद में कचरे में, तो इसको डिस्पोज करना हमारे लिए एक बड़ी समस्या है।
अ मटीरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। अब ऐसे मटीरियल जो कि खुद ब खुद बैक्टीरिया के एक्शन से ख़त्म हो जाए, नेचुरली सड़ जाए, उनको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, और जो अपने आप ना सड़े उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। अब जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, जो आपकी मम्मी सब्जी काटती है तो सब्जी के जो छिलके रहते हैं उनको जब हम बाहर फेंक देते हैं तो थोड़े समय के बाद वो सब्जी के छिलके खुद ब खुद सड़ जाएंगे, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, आप अगर एक पॉलीथिन जो है वो आप आज बाहर फेंक दीजिए और उसको 10 दिन बाद फिर ढूंढिएगा, वो पॉलीथिन आपको वैसे की वैसे ही मिलेगी। तो यानी कि जो मटेरियल जो है, अब सब्जियों को क्या हुआ, उसको बैक्टीरिया ने खा लिया, बैक्टीरिया ने उसको सड़ा दिया, लेकिन जो पॉलीथीन है वो नहीं सड़ती है क्योंकि उसको सड़ने में बहुत समय लगता है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ जानकारी लेते हैं। देखिए, वेजिटेबल्स को सड़ने के लिए 1 से 2 हफ्ते लगते हैं, पेपर 10 से 30 दिन में, कॉटन क्लोथ 2 से 5 महीने में, लकड़ी 10 से 15 साल में सड़ जाती है, ऊन के कपड़े लगभग 1 साल में सड़ जाते हैं, टिन, एल्यूमिनियम और दूसरे कुछ मेटल्स की केन्स की बात की जाए, जो केन आती हैं छोटी छोटी, इनको सड़ने में 100 से 500 साल लगते हैं, लेकिन प्लास्टिक बैग को सड़ने में उससे भी ज़्यादा समय लगता है। यानी कि वैसे तो ये देखा जाए तो दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ऐसी चीज़ें जो हैं हमारे वातावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो प्लास्टिक को सड़ने में बहुत समय लगता है, इसलिए ये हमारे लिए इको फ्रेंडली नहीं है, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। इसके अलावा ये बहुत सारा पोल्यूशन भी करता है, कि अगर आप जानते हैं कि सिंथेटिक मटेरियल जो है उसको जलाया जाए तो बहुत धीरे धीरे जलता है और कभी भी कम्प्लीटली बर्न नहीं होता है, यानी पूरे तरीके से बर्न नहीं होता है, और इसी दौरान वो बहुत सारी पॉइजनस फ्यूम्स यानी कि पॉइजनस गैसेस हवा में छोड़ता है, जिस कारण से एयर पोल्यूशन होता है। तो ये चीज़ें हम देखते हैं कि प्लास्टिक जो है हमारे लिए कितना ज़्यादा खतरनाक है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक हुआ तो ऑब्वियसली हमारे लिए भी हुआ ना, क्योंकि इस एनवायरनमेंट का ही तो हम हिस्सा हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, पहले तो ये देखना चाहिए कि हमें प्लास्टिक का उपयोग जितना हो सके कम करना चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें कॉटन और जूट बैग्स का यूज़ करना चाहिए जब आप शॉपिंग करने जाते हैं। यानी कि कॉटन का बैग है, जूट बैग है, आप मार्केट गए उसके बाद आकर आपने उसको वॉश कर लिया, वो फिर से ठीक हो गया, उसको यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन प्लास्टिक बैग का दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता है। हम मोस्टली उसको फेंक ही देते हैं, तो इसके लिए उसका उपयोग हम ना ही करें तो बेटर रहेगा। फिर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जो खुद ब खुद सड़ जाता है वो और जो नहीं सड़ता है वो, इन दोनों को अलग अलग जगहों पे हम डिस्पोज करना चाहिए, अलग अलग रखना चाहिए। अब सबसे पहली बात इसमें कि जो बायोडिग्रेडेबल है उसका उपयोग तो हम बाहर फेंक देंगे, गाय वगैरह खा जाएगी, कोई जानवर उसको खा लेगा, या फिर खुद ब खुद वो मिट्टी में मिल जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। लेकिन प्लास्टिक जैसी चीज़ें हैं उनको हम अगर इकट्ठा करके रखें, और जो हमारे गलियों में घरों में इकट्ठा करने आते हैं कचरा जो लोग, उनको अगर हम वो दे दें तो उसको रिसाइकल भी किया जा सकता है उस प्लास्टिक को। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो होते हैं खासकर छोटे छोटे, वो बोरियां उठाकर प्लास्टिक की पन्नियां इकट्ठे करते हुए घूमते रहते हैं, तो प्लास्टिक की पन्नियां इकट्ठी करके वो लोग फिर बेच देते हैं और उससे उनको कुछ पैसा मिलता है, और इस पन्नियों को वो रिसाइकल कर दिया जाता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो ये एक अच्छा तरीका है। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, तो प्लास्टिक वेस्ट या प्लास्टिक से बनी कोई भी चीज़ उसको रिसाइकल करना बेस्ट रेमेडी है हमारे लिए। ज़्यादातर जो थर्मोप्लास्टिक्स हैं उनको रिसाइकिल किया जा सकता है, और हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड, जब उनको रिसाइकिल किया जाता है तो उसको कलर देने के लिए कुछ एजेंट्स ऐड किए जाते हैं। दिस लिमिट्स इट्स यूजेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, तो अगर उसमें एजेंट्स को ऐड किया जाता है रिसाइकल्ड मटेरियल बनाते वक्त, तो इस दौरान उसको हम उस प्रोडक्ट को हम फूड स्टोरेज के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बाकी हम हर जगह पर उसका उपयोग कर सकते हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पे हमारे पास पहले जैसे हमें 3R का प्रिंसिपल मिलता था, अभी 5R का प्रिंसिपल हमारे सामने रखा गया है। 5R कौन से हैं, पहला R रिड्यूस, फिर रीयूज, फिर रिसाइकल, फिर रिकवर और फिर रीयूज करना। तो ये था हमारा चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।